महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि अगर कोविड-19 रोधी टीके आधार पूनावाला को सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया जाता है तो वह सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है। आधार पूनावाला कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है। सरकार के बयान के बाद कोर्ट ने पुणे में रहने वाले पूनावाला को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। पूनावाला को केंद्र सरकार की ओर से पहले ही CRPF की व्हाइट श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। पूनावाला ने कथित रूप से कहा था कि टीकों को आपूर्ति को लेकर उन्हें धमकियां मिल रही है, जिसके बाद अधिवक्ता दत्ता माने ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी। वह केंद्र और राज्य सरकारों को पूनावाला को Z+ सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दे। लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जमदार की खंडपीठ को बताया कि अगर पूनावाला को सुरक्षा चाहिए तो राज्य सरकार उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी। अदालत ने कहा अब ऐसी याचिकाओं पर और सुनवाई नहीं की जा सकती। अभियोजक के बयान के मद्देनजर हमारा मानना है कि इस याचिका का निस्तारण किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक व्यक्ति के लिए सुरक्षा मांगी है और वो हो सकता है कि उसे इस याचिका के बारे में पता भी ना हो। कोर्ट ने कहा ये निजी मामले है, क्या होगा अगर पूनावाला कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए या वो डरे हुए नहीं है। हम लोगों की बातों के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टुडे। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।